चलो ये कहता है डेंसिटी ऑफ एक क्यूब है उसकी हम डेंसिटी मेजरमेंट कर रहे हैं, लेकिन हम डेंसिटी मास और लेंथ में मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द मास, मास में मतलब डेल्टा एम अपॉन एम मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज एरर इन मास 3% दिया हुआ है, और साथ साथ लेंथ मतलब डेल्टा एल अपॉन एल और मल्टीप्लाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 2% दिया हुआ लेंथ में एरर। ये तो हमें डेंसिटी में कितने परसेंट का एरर आएगा, चलो निकाल लेते हैं डेंसिटी में कितने परसेंट का एरर आएगा। तो मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी, तो डेंसिटी इज इक्वल टू ऑफ द क्यूब, मास अपन वॉल्यूम आ गया यार, इसका मतलब ये हुआ कि मास और वॉल्यूम आ गया एल की पावर क्यूब क्यूब का, इसका मतलब ये हुआ कि जब परसेंटेज एरर के टर्म में लिखोगे इसको तो डेल्टा रो अपन रो और मल्टीप्लाई कर दिया जाए 100 से परसेंटेज एरर के लिए, डेल्टा एम अपॉन एम और मल्टीप्लाई कर दिया जाए 3 प्लस 3 टाइम्स, एक मिनट थोड़ा साफ लिखूं आपको, तो ये यहाँ पे प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एल अपॉन एल और मल्टीप्लाई कर दूं 100 से परसेंटेज के लिए, ठीक है, क्लियर है। अभी सारी वैल्यू डाल दो यार, परसेंटेज एरर इन एम कितना है 3%, तो ये 3% इधर आ गया और डेल्टा एल में 2% है और 6% इधर आ गया, ठीक है, तो कुल मिला के 9% का एरर आ गया डेंसिटी में। तो डेंसिटी में 9% का एरर आ गया, मतलब हम लोगों का जो डी ऑप्शन है वो सही है, ठीक है ना, क्लियर है। चलो